हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम प्रसाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप नया बाइक खरीदने जा रहे हो तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना जो कमाया हुआ पैसा, वो आपका वेस्ट ना जाए और उसके सारे पैसे पूरे हो जाए। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पसंदीदा आपका कौन सा कलर है। आपको अगर अपना डिज़ायरेबल जो आप कलर चाहते हो वो बाइक का अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कुछ टाइम वेट कर सकते हो और फिर जब आपका कलर आपके पास आ जाए, शोरूम वाले बता दे कि हाँ जी आपका जो आप कलर चाहते थे वो आ गया, तब आप जाके उस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। अब चलिए लेट्स अज्यूम आपने बाइक सेलेक्ट कर ली, आपको पता लग चुका है आप कौन सा बाइक ख़रीदने वाले हो और उसका क्या प्राइस है, आपने बजट भी अरेंज कर लिया है। अब जाते हैं, अब समझते हैं कि आप अगर शोरूम में विजिट कर गए, अब आप शोरूम में जा चुके हो और आपको अपनी गाड़ी दिख रही है आपकी फेवरेट कलर वाली, तो आपको अब उसमें क्या क्या देखनी है। सबसे पहली बात तो गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी को अच्छे से पूरा इंस्पेक्शन कर लीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी गई है या नहीं दी गई है, सारा कुछ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो है आप पूरे गाड़ी को अच्छे से चेक कीजिए, जैसे कि कोई उसमें स्क्रैचेस नहीं लगे होने चाहिए, जगह जगह पे कलर फेडिंग नहीं होनी चाहिए, सीट्स की जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सीट्स की जो स्टिचिंग होती है या कहीं फटा नहीं होना चाहिए सीट। और बात कर लेते हैं हेडलैम्प की, तो आप देखिए हेडलैम्प के आगे अच्छे से सारा कुछ प्रॉपर सब कुछ सेटअप दिया गया है, यानी टेल लैम्प भी देख लीजिए, इंडिकेटर्स वगैरह सारा कुछ अच्छे से चेक करने के बाद अब आप आइए टायर्स की तरफ। टायर्स में जो नए नए टायर्स होते हैं ना, उसमें जैसे हमारे स्किन के ऊपर बाल होते हैं ना ऐसे, तो नए नए टायर के ऊपर भी रबर के ऐसे निकले रहते हैं फाइबर टाइप के, बाल टाइप के, तो उसको आप चेक कीजिए। अगर वो नहीं है मतलब आपकी गाड़ी चली हुई है, पहले चलाई है किसी ने और इसी की वजह से वो जो रेशे हैं उनके रबर के वो ख़त्म हो गए हैं, तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और प्रॉपर ओवर एक्साइटेड मोड में आपको गाड़ी खरीदने नहीं जाना है, बहुत सोच समझ के गाड़ी खरीदना है, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें पैसा खर्चा करने वाले हो, आप गाड़ी खरीद ले रहे हो मतलब आपका उसमें इंश्योरेंस का, पेट्रोल का, मेंटेनेंस का, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाना है, तो इस चीज़ों को बहुत आराम से और ध्यान से समझिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब गाड़ी का जो काउल है, जो गाड़ी का आगे का डिज़ाइन है उसको देखिए, टैंक पे देखिए स्क्रैचेस है या नहीं, मडगार्ड चेक कीजिए अच्छे से, प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं उसकी, गाड़ी में नट बोल्ट्स जो होते हैं जगह जगह नट्स लगे रहते हैं उन सबको चेक कीजिए कि प्रॉपर कहीं कोई नट मिसिंग तो नहीं है जिससे कि बाद में प्रॉब्लम हो सके, तो इस टाइप से आप गाड़ी की पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए। अब आप गाड़ी जब खरीद रहे हो तो आप टेस्ट ड्राइव लेना ज़रूर एकदम प्रिफर कीजिए, सबसे पहला आपका टेस्ट ड्राइव ही होना चाहिए, आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है, टेस्ट ड्राइव में जा करके आपको इंजन स्टार्ट करना है, देखना है उसमें कोई अजीब तरीके का वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा या कुछ ऐसा सेंसेशन जो लगता है कि कुछ गड़बड़ है जब इंजन स्टार्ट हो रहा है, तब एग्जॉस्ट नोट को अच्छे से ध्यान से सुनना है कि कैसा प्रॉपर जैसा बाइक का साउंड आता है वैसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सारा फॉल्ट आपको पहले ही पता कर लेना है। जब गाड़ी आप चलाओगे रोड पे तो इंडिकेटर्स, हेडलाइट, हॉर्न सारा कुछ आप अच्छे से देखोगे, ब्रेकिंग भी चेक करना अच्छे से, ब्रेक्स टाइट है लगे हुए हैं प्रॉपर कि नहीं, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी ले रहे हो तो डिस्क ब्रेक काम कर रहे हैं कि नहीं, एबीएस काम कर रहा है कि नहीं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसमें सारी रीडिंग्स सही आ रही हैं कि नहीं, सारा कुछ सेटिंग ठीक है कि नहीं। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप करा सकते हो, जैसे कि पल्सर लिया, अब पल्सर स्पोर्ट्स बाइक है उसमें आप बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा सकते हो, KTM भी स्पोर्ट्स बाइक है उसमें भी मॉडिफिकेशन करा सकते हो, तो एक्सेसरीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ आपकी शोरूम वाले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और बहुत सारे शोरूम में अभी के टाइम में, तो अभी फेस्टिवल सीज़न है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, न्यू ईयर तक गाड़ियों की जो सेल है वो काफ़ी अच्छी होती है, लोग इसी टाइम में ज़्यादा फेस्टिव सीज़न में ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, वो लोग खुद धनतेरस, दिवाली के मौके पर घर गाड़ी लेकर के आते हैं, तो ये सब बहुत चीज़ें हैं इंडिया में, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो गाड़ी अब चला लोगे जब, तो उसके बाद का प्रोसेस बताते हैं। टायर्स की जो ग्रिप चेक करनी है, टायर्स
आपके होने चाहिए अच्छे। बजाज में आपको MRF के मिलते हैं और यूरो ग्रिप के मिलते थे। TVS अपाचे में आपको रेमोरा के टायर मिलते हैं और जो हीरो में आपको C8 या फिर TVS के टायर मिल जाते हैं। तो टायर्स आपको चेक करनी है प्रॉपर, टायर्स ठीक हैं। टायर्स चेक करने से आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपको टेस्ट ड्रिवन वाली गाड़ी तो नहीं दी जा रही है, कि जो पहले से चल चुकी है वही आपको फिर उस गाड़ी को धो करके पॉलिश करके आपको तो नहीं दी जा रही है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान से ख्याल रखना है। और एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अभी जो फेस्टिव सीज़न है उसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी चलता है, तो आप जब गाड़ी ख़रीदने जाएँ तो उनको आप बोल सकते हो, वो लोग मना भी नहीं करेंगे। आप उनको कह सकते हो कि मुझे ISI ब्रांड का एक हेलमेट अच्छा सा चाहिए, तो आप नया नया हेलमेट भी आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं, बट ट्राई करोगे तो मिल सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ना आपके, जो जो आपने ख़रीदते वक्त साइन किए हैं, सबको अच्छे से संभाल के रखिए। उसका जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सारा कुछ अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादातर मैच्योर है। 18 ईयर से मैक्सिमम अराउंड 90% लोग 18 ईयर से अबव है, तो वो लोग सब काम करने वाले, पढ़े लिखे लोग, वर्किंग एज के हैं, जो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं एक्चुअली में, तो वो लोग देख रहे हैं वीडियो। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान में रखिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हो या फिर हो तो Vikram_1996 पे मेरे को फॉलो कर लेना, और जो भी गाड़ी खरीदे तो मेरे को टैग करना सेल्फी खींच के। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय बाय एंड टेक केयर।